हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कोई पेंटिंग नहीं बनाने वाले, बट हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पेंटिंग्स जो लास्ट के कुछ वीडियोस में आपको देखने के लिए मिली होंगी। और ये जो पेंटिंग्स है कुछ एक्रेलिक कलर से बनी हुई हैं, कुछ वाटर कलर से बनी हुई हैं। और ये जो सारी पेंटिंग्स है, ये जो पांचों पेंटिंग्स हैं, ये कस्टमाइज पेंटिंग्स हैं। ये किसी ने बनाने के लिए दिया था और उन्हें ये पेंटिंग्स फ्रेम के साथ चाहिए, और मेरे पास फ्रेम नहीं है, तो हम शॉप जाकर इन पेंटिंग्स को फ्रेम कराएंगे। बट उससे पहले एक्रेलिक पेंटिंग का जो फाइनल स्टेप होता है, आज हम वो करेंगे, क्योंकि जो एक्रेलिक पेंटिंग है उसे बहुत ज़रूरी है वार्निश करना। इस पर वार्निश अप्लाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्निश अप्लाई करने से इन पेंटिंग्स को एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो अभी इन पेंटिंग्स को वार्निश करेंगे, और हम यूज़ कर रहे हैं लिटिल बर्डी का ये मैट फिनिश वार्निश। और इसे अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्लीन ब्रश। ये बिल्कुल नया ब्रश है। हमेशा जब भी वार्निश अप्लाई करते हैं तो ब्रश हमेशा क्लीन होना चाहिए, या फिर न्यू रहे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप कोई पुराना ब्रश या फिर कलर्ड ब्रश यूज़ करते हो तो आपकी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। तो अभी हम इन पेंटिंग्स पे अप्लाई कर रहे हैं वार्निश, उसके बाद इसे एयर ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो जब ये सूख जाएगा तब इसे फ्रेम कराने के लिए लेकर जाएंगे। ड्राई हो चुकी है, तो अब हम सारी पेंटिंग्स को लेकर जाते हैं फ्रेम कराने के लिए। हम कुछ ही पेंटिंग्स को वार्निश किए, क्योंकि वाटर कलर का पता नहीं कि वार्निश आता है या नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ एक्रेलिक पेंटिंग्स को ही वार्निश किए। सारी पेंटिंग्स फ्रेम होकर भी आ चुकी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये पेंटिंग फ्रेम के साथ कैसे लग रही है। सारी पेंटिंग्स तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं अब फ्रेम के बाद, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।